Hey people, what is up? Welcome to a new episode of the Beginner Series. So, आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल डिप्स और पुलओवर के बारे में. दोनों हमारे लोअर चेस्ट पे फोकस करता है, लोअर चेस्ट की फोकस एक्सरसाइज है. अभी देखेंगे कि पैरेलल डिप्स का क्या पोस्चर होना चाहिए, क्या रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए एंड सिमिलर विद पुलओवर. तो चलो पैरेलल डिप्स स्टार्ट करते हैं. तो ये मेरा पैरेलल डिप्स का सेटअप है. ऑलराइट, तो मैं ग्रैब करूंगा, हाथ मेरा ऐसा रहना चाहिए एंड चेस्ट अप रहेगा, ठीक है. और ये जो एंगल है मेरा एकदम पीछे रहेगा, ऐसे नहीं रखना है मुझे, एकदम पीछे रखना है, चेस्ट अप करना है एंड ये मेरा स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है. मैं धीरे 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 नीचे जाऊंगा, ऑल द वे डाउन एंड अप. मुझे बॉडी एंगल बनाना है आगे की तरफ, और जब मैं नीचे जाऊँ तो मैं ब्रीद इन करके जाऊंगा, जब ऊपर उठूंगा तो ब्रीद आउट करके उठूंगा. और इसका टेम्पो ये है, मुझे ए पॉइंट से ऊपर से नीचे स्लो जाना है और नीचे से ऊपर तेज उठना है, ठीक है. तो चलो करके दिखाते हैं. होल्ड हो गया, अब मेरा बॉडी आगे की तरफ है, ठीक है. स्लो एंड अप, स्लो एंड अप, ऊपर ऑल द वे अप जाके मुझे होल्ड करना है. यहाँ पे मेरा, जब मैं ऊपर जाके होल्ड करूंगा तो मेरा लोअर चेस्ट वहाँ पे स्क्वीज होगा, ठीक है. और जब मैं नीचे ऑल द वे डाउन जाऊंगा तो मेरा चेस्ट स्ट्रेच होगा. तो मुझे दो चीज पे ध्यान देना है, स्क्वीज और स्ट्रेच, ठीक है. अगर मैं साइड से देखूँ तो मेरा बॉडी आगे लीन रहेगा, आपको दिखेगा कि बॉडी मुझे आगे लीन रखना है. और जब मैं ऊपर उठूंगा तो मुझे जर्क नहीं करना है, बहुत लोग ऐसे करते हैं, वो नहीं करना है मुझे, ठीक है. जर्क नहीं लगाना है मुझे, क्लीन करना है. नीचे ऑल द वे डाउन एंड अप, ऑल द वे डाउन, स्ट्रेच एंड अप, ठीक है. ये पोजीशन है मेरा पैरेलल डिप्स का. अभी हम देखेंगे पुल ओवर, जो कि अगेन मेरा लोअर चेस्ट पे फोकस करता है. तो पुल ओवर के लिए मुझे, मैं कैसे करूँगा पुल ओवर, तो मुझे बेंच चाहिए एंड डंबल चाहिए. अभी इसका सेटअप कैसे है, थोड़ा ट्रिकी एक्सरसाइज है बट बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा एक्सरसाइज है अगर आप सही से इसको लगाओ तो. पहले मैं बिना डंबल का करके दिखाता हूँ आपको इसका सेटअप और पोस्चर कैसे होना चाहिए, ठीक है. मैं थोड़ा आगे जाऊँगा और अपने बैक को बेंच के ऊपर प्लेस करूँगा. मेरा अपर बैक बेंच पे प्लेस होगा और मेरा नेक बेंच पे रहेगा. अगर आप नेक उठा के रखोगे तो आपके नेक में दर्द करेगा, तो ये पोजीशन है. और मेरा हिप अगर आप देखो तो हिप नीचे रहेगा, डाउन ऐसे नहीं रहेगा, हिप मेरा डाउन रहेगा. तो ये पोजीशन है मेरा पुल ओवर का. मैं डंबल ग्रैब करूंगा एंड वर्कआउट स्टार्ट करूंगा. अभी मैं डंबल के साथ दिखाता हूँ, ठीक है. डंबल पकड़ने का तरीका ये है, मुझे डंबल ऐसे ग्रैब करना है दोनों हाथों से. एंड पुल ओवर हम बैक के लिए भी लगाते हैं, चेस्ट के लिए भी लगाते हैं. बैक का हम बैक के एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे. जब हम चेस्ट स्किल लगाते हैं तो मुझे दोनों एल्बो क्लोज रखना है ऐसे. देखो मैं जैसे एल्बो वाइड रखता हूँ तो मेरा चेस्ट पे कोई टेंशन नहीं है, जैसे ही मैं क्लोज करता हूँ मेरा चेस्ट स्क्वीज होता है, लोअर चेस्ट, तो मुझे ऐसे रखना है, ठीक है. अभी मैं स्टार्ट करूँगा, ये मेरा पॉइंट ए है. जब मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाऊँगा तो स्लो जाऊँगा, मेरा टेम्पो ये रहेगा, ठीक है. स्लो, अभी यहीं तक जाना है, पूरा नीचे मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं तक जाना है एंड यहीं तक उठाना है, यहाँ तक लाने की ज़रूरत नहीं है. मेरे आई साइट के ऊपर से स्टार्ट होगा एंड यहाँ तक जाएगा एंड अप, ठीक है. टेम्पो ये है, स्लो लेना है एंड अप. अभी इसका ब्रीदिंग कैसे होगा, जब मैं पीछे लूँगा तो ब्रीथ इन करूँगा एंड जब उठाऊँगा तो ब्रीथ आउट करूँगा, ठीक है. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. और इसका रेंज ऑफ मोशन यहाँ से स्टार्ट होगा ये, ठीक है. और मेरा एल्बो पूरे टाइम एल्बो अंदर टक इन रहेगा, जिससे मेरा चेस्ट हमेशा एक्टिवेटेड रहेगा और अंडर टेंशन रहेगा, ठीक है. ये ऑलराइट, तो ऐसे मैं लगाऊंगा पुल ओवर, जो कि मेरे लोअर चेस्ट फोकस करें. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. पीस आउट.